तो गाइज अभी देखो यहाँ पे मैं अपने बाहर किचन में जो है आलू के पराठे बना रहा हूँ। ये गाइस यहाँ की पटाखों की मार्केट है देखो इतनी बड़ी भाई कितने ज्यादा पटाखे। तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गाइस कैसे हो भाई आप सभी के सभी, आई होप गाइस आप सही भाई एकदम बड़े होंगे। एंड गाइस आज की इस वीडियो की स्टार्टिंग यहाँ कर रहे हैं अभी धूप के साथ। अभी बहुत तेज वाली धूप लग रही है मेरी आंखों में, देखो वीडियो ही बना नहीं पा रहा। बट आज जो है 3 तारीख हो गई है एंड कल जो है गाइस दीपावली है। तो आज हम जाएंगे शॉपिंग करने मार्केट में जो कि हमारी फेमस मार्केट है उत्तराखंड की धोराट में। तो वहां से जाके हम सामान खरीदेंगे, शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आज के व्लॉग में, ठीक है। उससे पहले सबसे पहले गाइस हमारा चल रहा है नाश्ता। गाइस अभी यहाँ पे सुबह हमारा ब्रेकफास्ट चल रहा है गाँव में, देखो आलू के पराठे के साथ आम का अचार, नींबू का अचार, कितना अचार खाते हैं दोनों के दोनों पता नहीं, सुबह सुबह इतना अचार खाने लगे। गाइस इनका ब्रेकफास्ट जो है अचार के साथ चल रहा है और मेरे से है फुल घी के साथ। अम्मा ने मुझे घी दे दिया भर के पूरे पराठे में, घी के साथ खाएंगे पराठे। अम्मा आप भी करो नाश्ता, करेंगे अभी। और यहाँ पे मम्मी आलू के पराठे बना रही है, कल से सुबह सुबह जल्दी उठ जाना। मम्मी इधर देखो खा लिया मैंने, हाँ पहाड़ी आलू के पराठे। और बन किससे रहे, चूल्हे से। तो गाइज अभी देखो यहाँ पे मैं अपने बाहर किचन में जो है आलू के पराठे बना रहा हूँ, मतलब दो पराठे रह गए थे लास्ट में तो मम्मी ने बना लिए थे, तो मैं बना रहा था तब से जो है मम्मी बना रही थी बट अभी मैं बना रहा था। ये चूल्हे के जो आलू के पराठे होते गाइस ये तो बड़े खतरनाक होते हैं और औसम वाले बिल्कुल। गांव में तो गाइस ऐसे खाते हैं रोटी वोटी पराठे वराठे जो होते हैं और ये सबसे बेस्ट होता है। दिल्ली में तो गाइस ऐसे गैस वैसे बनाते हैं ना, इसमें तो गाइस चूल्हे वूल्हे में भाई अलग ही स्वाद आता है उसका। एंड यहाँ पे कुछ सामान वामान है, इतने सारे पराठे मम्मी ने बना दिए अभी तक देखो, बाकी अब सब खत्म हो चुके हैं। दो पराठों का आटा रह गया है, इसे रात को देखेंगे कुछ। चलो जल्दी से ऐसे बना देता हूँ फिर मैं अभी। तो चलो गाइस अभी जो है सबका नाश्ता वास्ता यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है एंड सब रेडी हो चुके हैं बाजार जाने के लिए। मैं ही बैग वैग टांग के सही हूँ और फोन को जो है सेट कर लिया मैंने गोरिल्ला पॉड में, ठीक है। बताओ क्या क्या लाना है आपके बाजार से? खिला बचासा खिलौना जीर जमान और पटाखे, पटाखे परमाणु बम और परमाणु बम इसमें डाले फोड़ रही है एक्सपेरिमेंट करने की। फुलझड़ी भी जाना है, फुलझड़ी जलाओगे? ठीक ठीक ठीक, हाँ ठीक है। हाँ चलो गाइज अब हम सबके सब तैयार होके निकल चुके हैं बैंड के रास्ते। पहले हमें जाना है यहाँ से बैंड, क्योंकि बैंड को ही आएगी गाड़ी। यहाँ पे गाइज जितने भी लोग रहते हैं सब कहीं भी जाना होता है ना मार्केट वार्केट, तो सबसे पहले जाएंगे बैंड, बिकॉज बैंड में ही हमें गाड़ी दिखती है, गाड़ी मिलती है वहीं पे। एंड गाइज यहाँ पे जो है गाड़ी की तो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, बिकॉज गाड़ियाँ कभी कभार ही मिलती है, पता नहीं कब मिलेगी हमें, बहुत ज़्यादा मतलब वेट करना पड़ेगा गाड़ी के लिए। तो करेंगे चलो बैंड पहुँच के वेट, फिर वहाँ पर मिल जाएगी हमें गाड़ी। एंड हमारे साथ दो लोग और जा रहे हैं जो मैंने आपको दिखाया था ना इंग्लिश में लोग, दो इंग्लैंड के बंदे और आ रहे हैं, वो इंग्लैंड के मतलब बुआ हुआ है हमारी, तो हम ऐसे मजाक के लिए कहते हैं इंग्लैंड इंग्लैंड के। गाइस फाइनली जो है अभी हम बैंड में पहुंच चुके हैं एंड ये वाली जो गड्डी है इसमें हमने सामान वामान रख दिया अपना, तो इसी गड्डी में हमें जाना है बैंड पे, ठीक है। जो दो बुआ लोग थे इन्होंने रोक रखी थी गाड़ी हमारे, तो अभी चलेंगे। एंड पीयू देखो बाहुबली बन रहा है भाई इतना मोटा गधा कहाँ से ला रहा तू, गधे जितनी लौके भाई साहब, गधे जितनी असल में गाइस अम्मा की ना एक सिस्टर है जो कि गर्जिया साइड रहती है, तो उन्होंने सामान वामान भेज रखा था, तो अम्मा इसलिए आई थी हमारे साथ बैंड में ताकि वो सामान वामान ले पाए, ठीक है। यहाँ से चलो गाइस गाड़ी में फिट हो गए सबके सब, कुछ कुछ के एकदम सब एक के ऊपर एक आगे पीछे करके। मेरी तो शक्ल ही नहीं आ रही। ये लो यार ये लो, ये दो इंग्लिश हुआ, ये एक ये वो दूसरी व्हाट इंग्लिश हुआ। गाइस अभी फाइनली जो है हम धोराट बाजार में पहुंच चुके हैं शॉपिंग करने के लिए दिवाली की। आज पूरा धोराट बाजार जगमगा रहा है दिवाली की शॉपिंग ले, और आज होगी तब वो हमें पार्टी देने वाली है अपनी तरफ से, इनकी ड्यूटी लगी ना जॉब लगी है फर्स्ट, तो ये पार्टी देंगे आज हमें, है ना। कौन सी ड्यूटी लगी है भाई, कोई ड्यूटी नहीं है, झूठ बोल रहे। ये जो है गाइस यहाँ उत्तराखंड की फेमस मार्केट धोराट बाजार, अभी हम जहाँ आए हैं दिवाली की शॉपिंग वॉपिंग करने, तो यहाँ पे भी घुमाएंगे आपको। एंड बाकी मैं आपको थोड़े बहुत यहाँ के सिनेमेटिक दिखा देता हूँ। ये बेचने के लिए yes. कितने का गमला? क्या ले रहे हो, दिया ले रहे हो क्या यहाँ पे?
अभी मेरे पीछे से गाइस यहाँ पे धोराट की मार्केट लग रही है पूरी साइड। एंड सबसे पहले जो काम हमारा, हम पहले मार्केट को पूरा एक्सप्लोर कर रहे हैं ढंग से, एंड उसके बाद फिर चॉइस करेंगे मतलब आज के दिन हमें क्या क्या लेना है, तो वो सब दिखाऊंगा आज के इस व्लॉग में। ठीक है, इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला आप सभी के लिए। ठीक है, अभी गाइज मेरे पीछे जो आप देख सकते हो यहाँ पे पटाखों की बहुत बड़ी बाजार है मतलब धोराट में, तो यहाँ पे भी आपको एक्सप्लोर करूंगा। चलो फिर ले चलते हैं आपको नीचे एंड दिखाता हूँ कौन कौन से पटाखे आपको दिखेंगे अच्छे खासे यहाँ पे। ठीक है, तो एक्सप्लोर करके लाते हैं, चलो आओ। ये दिए सही तो हैं, से सही तो हैं ये गाइस। अभी जो है यार अंदर शॉपिंग, मम्मी और ना अपनी शॉपिंग कर रहे हैं अलग से, बिकॉज गाइस मैं जो है यार मार्केट से आया था, थोड़ा बहुत मेरा व्लॉग बन जाएगा एंड कल का जो व्लॉग था उसे भी अपलोड कर दूंगा। तो अभी मैंने अपलोडिंग पे लगा दिया अपने आज के व्लॉग को। ठीक है, एंड मम्मी और अंदर शॉपिंग कर रहे हैं, बस जो सामान गाइस अच्छा खासा लेना होता है तो मम्मी और बुआ उन सबको पहचान रहती है, मुझे तो इतना कुछ इंटरेस्ट है नहीं इन सब चीज़ों में। तो अंदर मम्मी उन सबकी शॉपिंग चल रही है एंड मैं जो है बाहर आके भी वीडियो को अपलोड कर दिया कल वाले। ठीक है गाइस, यहाँ पे बोर्ड में देखो क्या ही खतरनाक वाला स्लोगन लिख रखा है, दाजू तुम्हारा ध्यान कहाँ छू भट जियो दुकान यहाँ छू। भाई साहब इसका मतलब गाइस हिंदी में आपको बताऊँ तो मतलब तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम्हारे भट जियो की दुकान यहाँ है, ये लिखा है इसका मतलब हिंदी में, खतरनाक ही लिख रखा है भाई स्लोगन अंकल ने सही में। एंड अंदर जो है ये सब हार्डवेयर जनरल स्टोर की दुकान है गाइस। अभी बाल्टी वाल्टी वाला सारा सामान ले लिया है एंड यहाँ पे राशन पानी लेने आए हैं दुकान में, राशन पानी ले रहे हैं योगिता बुआ और मम्मी और अनिता, वो पता नहीं कहाँ बाहर घूम रहे कहीं। A few moments later. तो गाइस अभी का सीन यहाँ पे कुछ ये है कि अभी यहाँ पे 12:30 हो चुके हैं और सूरज जो एकदम गाइस सर पे निकल आ चुका है एंड ये तीनों जो है अपने अपने शॉपिंग करने में लग रखे हैं। मुझे पकड़ा दिया गाइस दो दो बैग, एक योगिता बुआ अनिता बुआ का बैग और एक ये मेरा बैग जो कि मैंने टांग रखा है। अभी दोनों बैग गाइस काफ़ी ज़्यादा भारी हो गए, बट देखते हैं इनकी शॉपिंग कब तक खत्म होगी यार, भूख भी लग रही है। प्लान तो बनाया वैसे खाना पीना खाने का यहाँ पे, बट पहले इनकी शॉपिंग तो कंप्लीट है, पता नहीं गाइस कब तक कितनी ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं दिवाली वाली घर वर की सबकी जगह की। चलो गाइस सारे के सारे हमने ऑर्डर दे दिए और मैंने अपने लिए मंगाया बर्गर सबसे बड़ा वाला, देखते हैं कितना बड़ा बर्गर देते हैं। इनकी तरफ से हमें पार्टी मिलने वाली थी, अब आए सबसे लेट आए पार्टी देने वाले। ये सारा है तो लिस्ट देखो। चलो गाइस आज का हमारा लंच आ गया यहाँ पे, अब करते हैं सब अपना अपना लंच, सबका अलग अलग ऑर्डर था यहाँ पे, सबसे बड़े में इतना ही बड़ा था क्या। A few moments later. मिली सर मम्मी यहीं से देख लो लाइट वाइट जो लेनी है। अरे ले लेना कोई लड़ी, एक 100 रुपये कोई लड़ी निकालो बस, चलो क्या। हाँ होता है हाँ हाँ दिखाएंगे अभी, रुको यहाँ थोड़ी लाइट भी होगी। चलो गाइस फाइनली हमारी सारी शॉपिंग हो गई एंड अभी बैठ गया हम गाड़ी में। तो गाइस यार जो मम्मी और तभी मेरा हेमू ब्लॉगर भाई है वो आ चुके हैं बैंड पे और मैं जा रहा हूँ, मैं और पीयू जा रहे हैं उन्हें बैंड में लेने। चल चल जल्दी चल, अभी देखते हैं क्या ला रहे हैं, बैंड में जा रहे हैं। चल जल्दी। हाँ वो आ गए क्या अम्मा, बंदर आ गए क्या, रुको भी आते हम। गाइस बैंड पहुंच गए, आ गए सामान लेने ये लोग दोनों। चलो रे चार बैग उठा लो, अभी तुझे ठंड नहीं लग रही, अभी तुझे ठंड लग रही, बाद में होगा ना जुकाम। बोबू को तो बुलाया था। चलो गाइस हमारा इतना सारा कुछ सामान है इसे उठाते हैं और चलते हैं। अब नहीं बुला रहा, पांच है सामान, पांच हम लोग भी तो हैं, चलो लेके चलो। हाँ चलो एक और ले जा लूँ कि मैं, चलो एक बाल्टी ले चलूंगा मैं, चलो फिर जाते हैं तो चल घर चल, चलो फिर चलो लेके चलो। गाइस ये देखो इतने सारे कुछ पटाखे ले आए हम वीडियो में दिवाली के लिए। ये देखो गाइस अम्मा की सिस्टर ने जो है घर जैसे इतना सारा भेजा है अम्मा के लिए, देखो इतनी बड़ी बड़ी लौकी और इतना बड़ा खीरा अम्मा के हाथ में, देखो भाई इतनी बड़ी लौकी को इतना बड़ा खीरा, भाई पहाड़ी खीरा अम्मा ये, अरे ले ले घूर के
पहाड़ी खीरा गाँव का है ना, पहाड़ी खीरा एकदम पहाड़ी खीरा है। अच्छा